नमस्कार। हम सब जानते हैं कि योग का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, कैसे शुरुआत हुई थी ये इंटरनेशनल योगा डे की? तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग को इंटरनेशनल लेवल का दर्जा देने के लिए और 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के तौर पे सेलिब्रेट करने के लिए प्रस्ताव रखा था, जिसको 177 सदस्यों ने सिर्फ 90 दिनों के अंदर इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और तब से जाकर 2015 से इंटरनेशनल योगा डे की शुरुआत हुई और ये सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को, क्योंकि 21 जून जो है वो साल का सबसे ज़्यादा लंबा दिन है और योग जो है वो हमें दीर्घ आयु देने वाला योग है, इसीलिए इसी दिन को चुना गया है योगा डे के तौर पे। और ये जो योगा डे है वो हर साल एक नई थीम के साथ प्रस्तुत होता है और इस बार की जो थीम है वो है मानवता के लिए योग, यानी कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी। और हम भी इस बार सेलिब्रेट करेंगे, इस इंटरनेशनल योगा डे का एक हिस्सा बनेंगे, जहां पर मैं आपको सिखाऊंगी कुछ ऐसे आसन जो आपकी संपूर्ण सेहत को बनाने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप वीडियो को मिस न कर पाए और अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त रख पाए। धन्यवाद।